आज का हमारा विषय है हरियाणवी सांग। जी हाँ, सांग हिंदी शब्द के स्वांग का अपभ्रंश रूप है, उसका तद्भव रूप है। सांग का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में वह लकोक्ति या कहावत आती है, जैसा हरियाणवी में कहा जाता है, यू के सांग बर राख्यास है, या फिर कोई ऊट पटांग वेशभूषा बना लेता है तो हम उसे देखकर कह देते हैं यू के सांग कर राख्यास है। सांग को हरियाणा का लोक नाट्य भी कहा जाता है। सांग का अर्थ है भेष भरना या फिर नकल करना। आइए थोड़ा गहराई से जानते हैं कि सांग किसे कहते हैं, इसका मंचन किस प्रकार होता है, सांग की कथा क्या होती है, सांग में कौन कौन से पात्र होते हैं। सांग का मंचन खुले स्थान पर होता है। सांग की स्टेज बीच में लगती है। स्टेज तख्तों को आपस में जोड़कर बनाई जाती है। चारों तरफ दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होती है। सबसे पहले साजिंदे मंच पर आकर नगमा बजाते हैं। सभी महिला पात्र भी मंच पर आ जाती हैं। सांग की एक खास बात पर आप सभी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सांग में पुरुष ही नायक और नायिका की भूमिका निभाते हैं। अपने अपने अभिनय के अनुसार उनकी वेशभूषा होती है। दर्शक उनकी भाव भंगिमाओं से समझ जाते हैं। जैसे ही थापिया शुरू होता है, सभी महिला पात्र अपना नृत्य शुरू कर देती हैं। उनके नृत्य से सांग का समा बंधना शुरू हो जाता है। उनके नृत्य से आकर्षित होकर अधिक से अधिक दर्शक जुड़ने शुरू हो जाते हैं। प्रत्येक पात्र अपने अपने गुरु को याद करता है, जैसे अपने गुरु को याद करता है, जिसे हम भवानी मनाना बोलते हैं। इसके बाद स्टेज पर मुख्य सांगी आता है, जिसे बेड़े बंद भी कहते हैं। मुख्य सांगी आकर ही सांग की कथा को गौ माता के जयकारे के साथ शुरू करता है। लोक कथाओं को संगीत नृत्य रागणियों में पिरोकर नाट्यबद्ध रूप से उसका प्रस्तुतिकरण ही सांग कहलाता है। डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा के अनुसार सांग को हरियाणा का कौमी नाट्य भी कहा जाता है। सांग की कथा जिस पर सांग आधारित होता है वह ऐतिहासिक पौराणिक वीर गाथाओं एवं सामाजिक प्रसंगों को समेटे हुए होती है। सांग देखने वाले दर्शकों पर सांग किसी जादू सा अपना प्रभाव छोड़ता है। रागणियों के बोल वाद्य संगीत सांग में होने वाला मनोरंजन और तकत के उस मंच पर कलाकारों का तकत तोड़ नृत्य और घूंघट के फटकारे सभी का मन मोह लेने वाले होते हैं। दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। दर्शक भी कलाकारों का पूरा मान सम्मान करते हैं। जो कोई दर्शक इनाम स्वरूप कुछ राशि देता है तो कलाकार दोहे या चमोले के रूप में उसे बोलता है। 5-6 घंटे लगातार सांग की कथा चलती रहती है और समापन तक आते आते बहुत से संदेश यह कथा दे जाती है। हरियाणा के सांगों में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों की मधुर अभिव्यक्ति तथा समस्त अनुभूतियां उद्घटित होती हैं। सांगों से पहले भी नाट्य साहित्य रहा है, जैसे कि रागणी, भांड नाट्य, बहरूपिया, खोड़िया, सकिट, एकल अभिनय, रामलीला, रासलीला, बोकड़ा, लूर, खेड़ा, कठपुतली प्रमुख रहे हैं, लेकिन इन सभी में सांग अपना प्रमुख स्थान रखता है। सांग के विभिन्न पर्यायवाची शब्द हैं जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न नामों से प्रचलित हैं, जैसे कि नकल, नौटंकी, तमाशा, भांड पथेर, जात्रा, धाव नृत्य इत्यादि। अगर हम सांग के पात्रों की बात करें जिनके द्वारा सांग खेला जाता है, या पात्र परिचय की बात करें तो इस प्रकार हैं। सबसे पहले नंबर एक जो है मुख्य सांगी, जो सांग की कथा को चलाता है, और नंबर दो नकली, जो जनता का मनोरंजन करवाता है अपनी वेशभूषा से, अपनी चुटीली अंदाज में। साजिंदे, जो सांग में ढोलक, हारमोनियम, नगाड़ा, क्लारनेट बजाते हैं। महिला पात्र, और जिसकी भूमिका कथा के अनुसार मुख्य सांगी के समान रहती है, उसे बड़ा रकाना भी कहा जाता है। सांग का उद्देश्य,
सांग का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं है, अपितु सांग की कथाएं आपसी भाईचारे, प्रेम, मानवता, धार्मिकता, नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं। और कभी भी सामाजिक कार्य करने होते हैं, जैसे कि गांव में कोई मंदिर बनवाना है, अस्पताल बनवाना है, या कोई जोहड़ खुदवाने के लिए चंदा या पैसा इकट्ठा करना होता है, या कोई भी विपदा के समय में चंदा अगर पैसे इकट्ठा करना है तो सांग करवाए जाते हैं, जिससे जो चंदा इकट्ठा होता है उससे लोगों की भलाई में लगाया जा सके। अतः हम कह सकते हैं कि संगीत, नृत्य, गायन से मिश्रित त्रिवेणी ही सांग कहलाती है, और इस विधा में पंडित लक्ष्मीचंद जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। लक्ष्मीचंद जी को सांग सम्राट तथा हरियाणा का सूर्य कवि भी कहा जाता है। इस कड़ी में जो और नाम आते हैं, श्री मांगेराम, श्री तुलेराम जी, श्री धनपत सिंह जी, श्री चंद्रबादी जी, श्री रामकिशन व्यास, इनके अलावा भी हरियाणा में बहुत से सांगी हुए हैं जिन्होंने हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की गौरव गाथाएं, हरियाणा की माटी का गुणगान अपनी सुरीली आवाज़ से किया। सभी ने मिलकर दुनिया के कोने कोने में हरियाणा का नाम चमकाया। सांग के दर्शक आज भी गांव शहरों में सांगों को देखने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। ये था हरियाणवी सांग का सिर्फ और एक सिर्फ छोटा सा परिचय।